What do you think? Well, that's a big question. I'm asking you the answer. Well, it's reports that you did, so I mean, do you need to, to a examples, You need to find out exactly what happened and then come with a better question. You can't come here with half questions and half details mm -hmm. of what happened. And also, if you want to create controversy, this is not the right place to be. I've spoken to the match referee, I had no issues with what happened, so... आप सिंगल आउट करके चीज़ें देखने लगेंगे तो आपके पास बहुत सारे एक्सक्यूज बन जाते हैं कि इस वजह से नहीं हुआ या उस वजह से नहीं हुआ जब आप अच्छा खेलते कलेक्टिवली तो आपका एक ही एम रहता है कि तीन सौ बोर्ड पर लगने चाहिए अब वो पाँच लोग पचास साठ बनाए या फिर कोई एक आदमी डेढ़ सौ बनाए जैसे पुजारा ने किया ऑस्ट्रेलिया में हमारे लिए एम है कि टीम का बड़ा स्कोर लगना चाहिए तो अगर वो कलेक्टिवली नहीं लगता है तो आप उस चीज़ को समझ आपको उस चीज़ को समझना चाहिए राधा देन ये सोचना कि Uh, किसी ने नहीं किया या ऐसा कभी कोई सोचता नहीं है मतलब आप एज अ टीम ही खेलते हैं और एज ए टीम ही आप अच्छा करना चाहते हैं तो मेरे दिमाग में ऐसी कभी बात आई नहीं आ, पहले भी और मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि एज अ क्योंकि क्रिकेट में आप इंडिविजुअली एक एक मोमेंट आप अलग से यू uh, नो you know, एक गो आप एक एक मोमेंट को जीते हैं अलग अलग एज बैट्समैन तो मैं कोशिश करता हूं मेरी जितनी कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकती है मैं पूरी अपनी कोशिश करूँ और सब लोग ही ऐसे सोचते हैं दो तीन साल तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ प्रॉब्लम होने चाहिए बट हाँ थोड़े टाइम में लोगों को समझ आ जाएगा कि एज बढ़ती है कम नहीं होती तो देखिए अब जो है सामने वो है आप उसका कुछ कर नहीं सकते जैसे मैंने बोला कि प्लेयर्स अगर उन्हें लगेगा कि ज्यादा हो रहा है तो वो फॉर्मेट्स को प्रायरटाइज करके फिर ब्रेक्स लेना शुरू करेंगे इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है एट द मोमेंट तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि इंडियन टीम को कोई दो ढाई महीने का ऑफ सीजन मिलना शुरू हो जाएगा वो पॉसिबल ही नहीं है तो अभी जितना भी ब्रेक हमें मिल रहा है हम उसके हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं जब ज़्यादा हो जाएगा तो एज अ प्लेयर ही आप ब्रेक लेने के लिए जो एक यू नो कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं चाहे वो सिलेक्टर्स हैं या मैनेजमेंट है जो हम लोग रेगुलरली कर रहे हैं तो आई थिंक प्रेजेंट सिचुएशन में यही एक ऑप्शन है लोगों को रेस्ट देने का आप कलेक्टिवली नहीं उस चीज़ को सोच सकते क्योंकि हमारा एफ पहले से ही डिसाइडेड है अभी और सबको पता है कि कितने मैचेस होने वाले आने वाले टाइम में तो इसके बारे में सोचना और डिस्कशन करना आई डोंट थिंक कि उससे कुछ निकलने वाला है सोल्यूशन जो है हमें उसके हिसाब से एडजस्ट करना और फिगर आउट करना है कि कब हम ब्रेक ले सकते हैं कब प्लेयर्स को रेस्ट दे सकते हैं वो सब चीज़ें हमें बिल्कुल बहुत मतलब बिल्कुल जरूरी है अब आप देखिए अगर कोई बॉलर मिड मैच ब्रेक डाउन करने लगे तो फिर आप कहाँ छूट जाते हैं एज ए टीम वो आप सोच सकते हैं तो लास्ट डे में हुआ कि और एक्सटर्नल ब्लो हुआ लेकिन जैसे मैंने बोला कि जब वर्कलोड बढ़ता है तो इंजरी कभी भी हो सकती है किसी को भी तो आप एक सिचुएशन वो नहीं चाहते जहाँ पे आपके मेन प्लेयर्स किसी ज़रूरी टाइम पे ब्रेकडाउन हो रहे हैं तो वो हमें अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिगर आउट करना कि वर्कलोड के हिसाब से किसको कब कवरेज देना है होप फुली फ्यूचर में ये एक कलेक्टिव विजन बन जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा